नेक्स्ट टाइम मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर आप राइड ज्वाइन करना चाहते हैं हबीबी कम टू दुर्गापुर। नशे बिल्कुल नहीं करने के हैं, बट सस्ते नशे आर ओके, बोले तो चाय एंड कॉफी। खेला हो बे सो हेलो गाइज, राइड अपन ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो गाइज देख सकते हैं आज मैं निकल चुका हूँ राइड में, और राइड में काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाला है क्योंकि साथ में जेसी पाजी भी आ रहे हैं। तो दुर्गापुर में मीटअप है और काफी सारे राइडर आ चुके हैं। आपको आज हम दिखाने चाहते हैं कौन कौन सी बाइक यहाँ पर आ चुकी है। कावासाकी ZX6 आ रहे हैं, डुकाटी है, और साथ ही साथ MB अगस्ता है। तो चलिए चेक करते हैं, तो मिलते हैं वीडियो। सबसे पहले मेरी प्यारी 220 और साथ ही साथ क्लासिक 350 और यहाँ पर V3 और अपाची RS डोमिनार और साथ ही साथ यहाँ पर R15 वर्जन 4 का काफी ज्यादा स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है MV अगस्ता जो काफी हेवी बाइक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं AS150 और ये कावासाकी ZX6R, तो ये भी यहाँ पर है, और साथ ही साथ डुकाटी पैनिगल की V4। गाइस सभी राइडर निकल रहे हैं, और ये MV अगस्ता और तीजा और ये डुकाटी पैनिगल V4 देख सकते हैं। सारे राइडर जा रहे हैं, तो करते हैं, और पीछे से हम लोग निकलते हैं क्योंकि सुपर बाइक है, तो इन लोगों को निकलना होगा आगे, और ये देख सकते हैं। और बाकी जो हम लोग नॉर्मल बाइक है सब अभी हम लोग साथ में चलेंगे। चलिए मिलते हैं राइट पे। तो गाइस सभी भाई निकल चुके हैं, अब मुझे भी निकलना है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, सेटअप में थोड़ा टाइम लग गया। और सुपर बाइक जो भाई लोग हैं वो और भी सुपर बाइक कलेक्ट करने के लिए गए नीचे आसनसोल के अंदर, वो उसमें वहां पर आया भूसा भी है, बहुत सारी बाइकें हैं। तो फिलहाल हम लोग जो नॉर्मल बाइक है 220 और R15 ये सब वगैरह तो ये सब हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं भाई। आपका भाई 420 लेके आया जो एक टाइम का 2009 का ये इंडियन नंबर 1 फास्टेस्ट बाइक था। 2009 में आप सर्च करोगे तो इंडियन नंबर 1 फास्टेस्ट बाइक 220 था। तो भाई मेरा 220 शुरू से फेवरेट है, और आपको तो पता ही हमारे पास सभी तरह की बाइकें हैं, जैसे कि R1 बुलेट और RS वगैरह सभी बाइकें, क्योंकि मेरे बाइक का शोरूम है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं था। लेकिन मुझे 220 पसंद थी, तो मैंने सोचा कि भाई 220 को ही लेना चाहिए, तो बस मैंने 220 को निकाला और आ गया। आज हम लोग आपको मिलाएंगे जेसी पाजी सर, जो दिल्ली के काफी मशहूर ब्लॉगर है, इंडियन टॉप 10 में उनका भी नाम है, नंबर 2 में आते हैं, काफी ज्यादा उनके पास भी कलेक्शन है बाइक की, काफी अच्छी अच्छी बाइक है। इस बार वो भूसा लेके आया है प्लस थार लेके आया है, तो बहुत अच्छी लगी कि भाई हम लोग जैसे राइडर को जैसे पाजी मौका दे रहे हैं मिलने का, तो ये बहुत हम लोग का खुशकिस्मत वाली बात है। बस थोड़ा सा मीटअप हो जाए बढ़िया सा, सही तरीके से सब चले जाए, सेफ से आए, सेफ तरीके से चले जाए, तो हो जाएगा बढ़िया। चल धन्य 102 से नहीं होने वाला है इसे, 100 कम से कम 130 कर लो भाई, अगर पीछे पकड़ना है वो लोगों को तो।
बॉल 30 चलोगे तो ही पकड़ पाओगे भाई, चलो चलो। निंजा S2 जो काफी डिमांड में रहती है और इसका AC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं काफी हैवी बाइक है यार, सभी का ड्रीम है और सभी राइडर इस बाइक को देख के रुक चुके हैं क्योंकि इसका क्रेज ही कुछ अलग है। तो भाई अभी तो S2 देख रहे हो, आने वाले टाइम में अभी आप दूसरा भी देखोगे, साथ ही साथ MBS बहुत सारा सुपर बाइक आने वाला है आज। तो फिलहाल रास्ते में जीत भाई मिल गए जो यहाँ पर वेट कर रहे थे अगले राइडर का। मतलब ये जो बाइक है ना, ये समझ लो सुपर बाइक का भगवान है, समझे। ये जो बाइक है और इसमें जो ये सुपर चिप लगी हुई है, ये सुपर चार्जर, तो ये काफ़ी कॉस्टली आती है और ये लगने के बाद बाइक का पावर कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। तो ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं राइड में। मुश्किल नहीं है, पहुंच गए हैं, बस हम लोग सब एक साथ ही है। बस देखो ये रहा ग्रुप का भीड़ और अब जो होने वाला है भाई साहब, क्या ही इन्जॉयमेंट यार। नेक्स्ट टाइम मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर आप राइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में कमेंट कर देना और अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम राइड में मैं पक्का ले लूंगा। और ये जो राइड है भाई, ये सुपर बाइक राइड है पर इसमें केवल सभी आ सकते हैं, तो सुपर बाइक भी मिल रहा है, नॉर्मल भी मिल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं अब एंजॉयमेंट कैसा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और ये सब पब्लिक भी है, ऐसा बात नहीं है पूरा राइडर है। तो राइडर आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखो V3 का जो क्रेज है ना भाई, देख लो काफी हेवी क्रेज है। तो V3 तो है ही, साथ ही साथ देख सकते हैं RS वगैरह सभी बाइकें हैं यहाँ पर। जब हम लोग आ चुके हैं दुर्गापुर, एंटर कर रहे हैं सिटी सेंटर और यहाँ पर जो तफरा मचने वाला है गाइस, एकदम आफत जो होगा आज ना भाई, आज तो तहलका मचने वाला है भाई साहब। ये जो राइडर लोग है ना, देख सकते हैं वाह, काफी ज्यादा ही आज एंजॉयमेंट होने वाला है। थोड़ा सा ले चलता हूँ आप लोगों को आगे की ओर ताकि आप लोग भी सही से पूरा ले सके। तो ये रहा पेलेग्रिनी 4 डुकाटी का और साथ ही साथ MV अगस्ता, और आपको दिखा देना चाहते हैं आयाबुसा 2021 मॉडल, और यहाँ पर S2 जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी माँ। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही एंजॉयमेंट बन रही है। तो मेरे फोन पर भाई दिकल S2 के साथ, तो भाई मैं S2 के साथ कहा कर सकता हूँ, देख रहे हो। ओहो खैर, ये भी 220 है भाई, हम गरीबों का सुपर बाइक। अरे यार ही भाई मंजूर वर्षम वर्षम, यहाँ जो होने वाला है ना गाइस काफी, ओहो ओ हबीबी कम टू दुर्गापुर। Oh.
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड भी आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यार क्या ही बोलूं, अगर आप मिस करोगे तो पछताओगे, पक्का पछताओगे यार। ओहो देख रहे हो भाई, देख रहे हो, इसे कहते हैं आया भूसा भाई 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 भूसा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश शाबाश, सही है सही है। और ये अनुपम भाई, एक नंबर भाई। तो भाई यहाँ पर काफी माहौल बन चुकी है और अभी तो हम लोग की एंट्री हो रही है, अभी एक्शन बाकी है मेरे दोस्त, एक्शन बाकी है अभी। थार, यही पाजी का थार है जो भाई आए हुए साथ में। क्या ही मजा आ रहा है यार, देख सकते हो यहाँ पर राइडर की लाइन लग चुकी है और हमारे सामने है भूसा। ये सब सुपर बाइक की कमाल है, ना कि हमारे जैसे 220 की। तो ये सब सुपर बाइक की और हमारे जयेश पाजी की, जिनके कारण आज इतना बड़ा मेला लग चुका है। और अभी तो भाई शुरू हुई है पार्टी, तो अभी शुरू हुई है और एक्शन तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये है बहिना भाई साहब, क्या ही भाई है, देख सकते हैं। अनुपम भाई यार ठंडा हुआ था, अच्छा ठंडा होने दीजिए। तो भाई आज जो होगा यार, बाइक का बाइक हिट हो चुका है, इस कारण थोड़ा सा स्पेशल रेस्ट चाहिए। और ये हमारे जो भूसा है, ये तो भाई भूसा है ही है और थे और रहे हुए, भूसा का तो बात ही अलग है। आइए आपको भूसा का मीटर कंट्रोल दिखाते, देख सकते हैं। वाह यार, सभी बाइकर की ड्रीम बाइक होती है भूसा, कावासाकी ZX6R S2, सभी की पूरी नहीं हो पाती, ZX भी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जिन जिन भाई का दिल में बसे हुए वो तो प्यार है ही। न हुआ भाई, बच्चे बच्चे को पता है आप ही चाहिए, क्या ही क्रेज है भाई, क्या ही क्रेज है। अरे हिट हो चुका है, स्पोर्ट मोड से हटा दिया ना अनुपम भाई। तो भाई भाई का भी फॉलोअर काफी अच्छा है। भाई साहब क्या ही साउंड है यार, एग्जॉस्ट एसी प्रोजेक्ट भाई। हाँ आप देखा हुआ, भाई भी काफी शौकीन है, देख सकते JST के इंजीनियर भाई, मतलब बॉस, तो वाकई में ZX6R बॉस है ही। आज जो होने वाला, ओ भाई साहब एंट्री हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, ओ भाई साहब एंट्री तो हो चुकी है। भाई साहब कितने सारे बाइकर आए हुए हैं, देख सकते हैं गाइस कितने सारे बाइकर आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे भाई भी हैं, तो बाइकरों की देख सकते हैं, अगर हम आपको काउंटिंग फिर से करा दे तो काफी ज्यादा ही है, काउंटिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जानते हैं अभी और भी बाइकर आने वाले हैं। मेरे हिसाब से 1000 के आसपास होने वाला, आज 1000 बाइक होने वाला।
बालों में लगाए एड फेक न्यूज छापे हम इन्हें फक भी न देते इसके अंदर नकद 1,00,000 रुपए हैं कैस्ट्रॉल पावर वन की तरफ से तो जिसको भी चाहिए वो सही आंसर देगा अच्छा ये बताओ मेरे को कि लास्ट रोड ट्रिप यूनाइटेड में कौन कौन सी बाइकें थी अच्छा ये बताओ पहले बताओ कितनी बाइकें थी ऐसे करके बताओ वो उसको उसको उसने वो वाइट वाला ये ये आपके 1,00,000 रुपए आपके हो सकते हैं अगर आपने सही जवाब दिया सर 4 बाइक्स थे टीवीएस एंटॉप टाइम रॉकेट 3R निंजा H2 और अपाचे RR 310 अरे आ जाओ ऊपर आ जाओ परफेक्ट परफेक्ट और मैं रानीगंज ग्रुप आर ग्रुप बाइकर्स के बिलोंग करता हूँ परफेक्ट सो गाइस ये इनको जाता है इसमें से टैक्स काटना पड़ा हमें 99,999 रुपीज तो ये आपका होता है थैंक यू सो मच राइड सेफ ब्रो एंड व्लॉग सेफ बहुत अच्छा लगा यार इतनी एनर्जी देख के थैंक यू फॉर कमिंग मेरे को यकीन नहीं है इतना प्यार मिल रहा हमें दुर्गापुर से मैं वेट कर रहा था बिहाइंड द स्टेज की मुझे बस मौका मिले मुझे देखना है कितने सारे भाई लोग इधर आए हुए हैं सीरियसली दिल खुश हो चुका है 200 200 200 200 200 वेरी गुड यार वेरी गुड बहुत एनर्जी है मुझे समझ आ गया सब खा पी के आए नहीं तो ये मतलब बाइकिंग का पैशन है ये हमसे मिलने की एक्साइटमेंट है सीरियसली बहुत एनर्जी है दुर्गापुर में थैंक यू गाइस थैंक यू मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा अगर बोलते बोलते शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो सिर्फ भावना को पकड़ना किसको पकड़ना है आपने खेला हो बे नशे नहीं करने के हैं नशे बिल्कुल नहीं करने के हैं बट सस्ते नशे यार ओके बोले तो चाय एंड कॉफी तो गाइस वहाँ काफी ज्यादा क्लाउड था इसी कारण वहाँ पर वीडियो को एंड नहीं कर पाए तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको अगर पसंद आया तो कमेंट लाइक जरूर करना भाई और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करना और क्या मुझे मोटो ब्लॉग भी करना चाहिए अगर करना चाहिए तो कमेंट करके बता देना भाई ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको ढेर सारा ब्लॉग दे पाऊँ और बहुत जल्दी मैं भी एक अच्छा सा बाइक परचेस करने वाला हूँ आज देख के काफी ज्यादा जुनून पैदा हो गया भाई तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय